मतलब निचले पानी आना शुरू हो जाता और फिर गन्ने के ऊपर रेत आ जाती और इन सब कौन रेत हमारे गन्ने पर फेंक रहा। फिर इनकी अलमारी है, इन अलमारी के नीचे से पानी आ रहा है और ये परेशान है। फिर इन्होंने मुझे कॉल की और सब आए हमारे घर में दुआ करें ताकि हमारे घर में जो अपनी सी चक्र है वो चल रहे। और इनकी वार्ता के ऊपर भी फूंक छपके पड़े थे, इनके चारपे के नीचे फूंक पड़ते कील करे के घर में आते थे और इन्होंने अपने भाई की मंगनी की 40-50 हजार रुपया लगाया वो भी टूट गई और खुद भी कारोबार हो गया, बंद हो गया। लेकिन खुदाओं के नाम को चलाया है, आप लोग हम उनके मुंह से ये वॉइस सुनते हैं। जी भाई आपको भी कॉइस भेज रहे हैं यीशु के नाम में। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरी कॉइस इस तरह है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा मुश्किल थी तो मैंने सोचा, मैंने खुदा में खुद भी खुदा में तोबा की हुई है, मुझे 11 साल हो गया तोबा की हुई है। क्या मैं अपने चर्च का एल्डर, ये मेरे सीनियर एल्डर है शौकत साहब, और खुदा ने मुझे भी फजल बख्शा। किसी दौर में दुआ करने का मुझे बड़ा फजल था लेकिन अब मैं ज्यादा समय लिए दुनियादारी में चला गया। ठीक है, जब इंसान दुनियादारी में चला जाता है खुदा के साथ वफादार नहीं रहता फिर उसकी दुआ में कमी आ जाती है। ठीक है, तो मेरे घर में बहुत सी मुश्किल थी। कभी चारपाई के नीचे पानी आ रहा है, कभी अलमारियों में से पानी आ रहा है, कभी दरवाजा ऐसे कोई जोर जोर से गन दे रहा है तो बाहर जाते देखे तो कोई भी नहीं है। मैं ड्यूटी पे था, मेरी बीवी ने मुझे फोन किया, वो कहती है कि घर में जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है भाई, कोई बाहर भी नहीं है। मैंने कहा चलो मैं घर में आता हूँ। जब मैं घर में आया थोड़ी देर में बैठा, उसने मुझे पानी पिलाया। वो कहती है दरवाजा जब खटका तो मैंने बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मैं चलो दुआ करता हूँ। मैंने दुआ की, मैंने खुदा यीशु के नाम से सब घर में पानी छिड़का। जब पानी छिड़का तो वो इतनी जोरावर बदबू थी कि उसने मेरे पूरे बेड को ही गीला कर दिया। बेड ऐसे था जैसे उसमें ट्यूबवेल में पानी नहीं होता, उस तरह पानी भरा हुआ। मैंने देखा छाते पाया, जब छत पे जाकर कता से ऊपर लटाया ऊपर से पानी ऐसे निकल रहा जैसे टूबियों में से पानी निकल रहा है। तो जाहिर है मेरे साथ मुश्किल में पड़ जाता है, भले वो खुदा का आलम हो, भले कोई भी हो, मुश्किल उसको घेर लेती है लेकिन उसका सबसे बेहतर हाल है जिसको नेमत मिली है आप उसको बनाए। हमारी सारी कौमें जो है आपके इंडिकेटर है वो अपने खुदाओं को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो हमारी ये गवाही है कि जब हमने भाई साहब को बुलाया, हमने कहा भाई साहब ये मुश्किल है, तो इन्होंने हमारे घर में 2 दफा आके दुआ की। तो आज खुदा का सबसे बड़ा फजल है कि हमारे घर में सब अच्छा है। छोटे भाई की मंगनी की बड़ी धूमधाम से। ठीक है, वो बड़े लोग खुश थे कि हमने हमारा इस घर में रिश्ता हुआ। ठीक है, तो उसके बाद मेरा कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, मेरे पास 0 था। कभी वो बात थी कि मेरी दिहाड़ी 50,000, कभी 20,000, कभी 1,00,000 तक, लेकिन उसके बाद मैं 0 हो गया था, बिल्कुल 0। जब इंसान 0 होता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब दुआ कर पाई तब से हम फिर से स्टैंड हो गए। यार हमें दोबारा से कॉल किया है तो मैं आप सबसे, मेरा दिल भी शुक्रगुजारी से भरा है। मैंने आपके चर्च में आपने देखा है कि लोगों में रूहानियत है तो आपको खुदा ने ये सबसे सबके सामने है। तो ठीक है, खुदा आपको ऐसे ही बरकत देता रहेगा और खुशी से खुदा उनके लिए ऐसे ही बात करते रहिएगा।